बड़वानी पुलिस द्वारा अवैध शराब बेचने वाले ढाबा संचालक पर की बड़ी कार्यवाही। हजारों रुपए की शराब जब्त कर एक आरोपी किया गिरफ्तार, वह ढाबा संचालक करतार सिंह गांधी हुआ फरार। थाना बड़वानी पुलिस द्वारा अवैध जुआ सट्टा एवं शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री डी आर तेनेवार द्वारा अवैध जुआ सट्टा शराब के खिलाफ कार्यवाही के निर्देशन पर थाना बड़वानी के थाना प्रभारी टी आई राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत SDOP अंतर सिंह जमरा के मार्गदर्शन में अपनी टीम गठित की गई, जिनके द्वारा राजघाट रोड स्थित न्यू जनता पंजाब ढाबा पर दबिश दी गई, जहां ढाबे में चेक करते अवैध रूप से अंग्रेजी शराब एवं जब्त सामग्री की कीमत 14,385 रुपए की मिली तथा ढाबा संचालक करतार सिंह की मोटरसाइकिल डिस्कवर क्रमांक MP46MJ3004 भी मिली, जिसे भी जब्त किया गया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ ढाबों पर लगातार शराब जो है बेची जा रही है और जो परोसी भी जा रही है। उस सूचना पे जो है SP साहब के निर्देशन में मेरे द्वारा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुँच के कल रात्रि में न्यू जनता पंजाब ढाबा है राजघाट पर, उसकी चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान वहाँ पर अंग्रेजी और देसी शराब मिली और जो मेन ढाबा संचालक था जयंत जोशी, उसको मौके से गिरफ्तार किया है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये जो ढाबा मालिक है करतार सिंह गांधी, इसके संचालक है और वो 6,000 रुपये महीने में इनको रख रखा था और उन्हीं के करतार के निर्देशन में ये काम पूरा कर रहा था। मौके पर करतार सिंह गांधी की मोटरसाइकिल भी डिस्कवर जब्त हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज।